देखिए गाइस, सूप हमारा बन गया। इसको हम बंद कर देते हैं। देखो, इसको बाउल में डालते हैं सर्व करने के लिए। देखिए कितना कलर फाइन आया है, रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाई है। गार्निश के लिए स्प्रिंग अनियन डालेंगे और थोड़े से ये कोरिएंडर लीव्स। ये देखिए गाइस, हमारा सूप बनके रेडी हो गया, हॉट एंड सोर सूप। आप भी बनाएं और मेरे साथ शेयर करें कमेंट करके कि आपको ये मेरा हॉट एंड सोर सूप कैसे लगा। बहुत ही यम्मी और डिलीशियस सूप बना है। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय। हेलो एवरीवन, मैं स्नेक किचन पंजाबी तड़का, वेलकम टू द स्नेक किचन पंजाबी तड़का। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते रहा करें और बेल आइकन बटन को पुश करें। उसमें तीन ऑप्शंस आती हैं, ऑल वाला जो सबसे ऊपर वाला होता है ऑप्शन, उसको दबाएँ और आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो मेरी रेसिपीज़ होगी। और अब मेरी रेसिपीज़ को ट्राई ज़रूर करा करें, शुरू से लेके एंड तक फॉलो करें। मेरा पेज है इंस्टाग्राम में भी और फेसबुक में भी, उसको भी फॉलो करें, लाइक करें। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। हेलो एवरीवन, मैं स्नेक किचन पंजाबी तड़का। आज हम बनाएंगे हॉट एंड सो सूप बनाएंगे, जो कि बहुत ही यम्मी बनता है। आप घर पे बनाओ, बहुत ही अच्छा बनता है और इसका बहुत ही इजी है, इंस्टेंट बन जाता है। आप वेजेस काट लो और वाटर डालो और इसको अच्छी तरह कर लो बॉइल और बना लो। अगर आप स्टॉक बनाना चाहते हो तो वो भी पहले आप बना सकते हो, वेजेस को सारा बॉइल करके इसका वाटर निकाल के, वो वाला वाटर भी यूज़ कर सकते हो, जैसे आपको इजी लगे वो बना सकते हो। और आज हम बनाएंगे, मैंने पैन रख दिया है, इसको थोड़ा सा ऑयल डाल के, एक टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। आप ऑयल अपने हिसाब से कोई भी डाल सकते हो, बटर डाल सकते हो, चाहे जो मर्जी डालो। थोड़ी सी मैं पिंच ऑफ हिंग डालूँगी, मैं गार्लिक यूज़ नहीं करती, पिंच ऑफ हिंग। ये मैंने चॉप की हुई जिंजर है और चिल्ली है थोड़ी सी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चिल्ली डाल सकते हो। हाफ इंच मैंने ये जिंजर चॉप की हुई है और ये स्प्रिंग अनियन मैंने चॉप किया है, वो भी डालते हैं। आप अनियन अपने हिसाब से कोई भी डाल सकते हैं, स्प्रिंग अनियन डालो चाहे दूसरे वाले अनियन डालो। ये थोड़े से हो गए अनियन हमारे, अब इसमें वेजेस डाल देते हैं। ये मैंने 2 चॉप की हुई गाजर लिए स्मॉल, थोड़ी सी बीन्स लिए मैंने चॉप की हुई है। ये वेजेस आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। ये कैप्सिकम है छोटी सी 1, ये कैबेज है। कैबेज को अच्छी तरह वाटर में बॉईल करना है और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के इसको अच्छी तरह बॉईल करना है ताकि ये हमारी सेफली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इसके बिना तो हमारा चाइनीज फूड होता नहीं है। वेजेस को हम थोड़ी देर स्टर करेंगे 2 मिनट, फिर इसके ऊपर वाटर डालेंगे। 4 कप वाटर डाल देते हैं, 4 कप। थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई, इसमें हम वाटर डालते हैं, 4 कप डाल दें। टू 4 कप हमने डाल दी वाटर। हम फ्लेम को अब तेज कर देते हैं, इसको अब 2-3 मिनट के लिए बॉयल आने देते हैं। अब इसमें धनिया की स्टेम्स भी डाल सकते हैं, इसमें भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। ये धनिया की डंडियाँ जो होती है ना, ये मैंने चॉप करके डाली धनिया की डंडियाँ, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सूप में। देखिए गाइस, अब इसमें हम बॉयल आ गया, अब इसमें हम सॉल्ट ऐड कर देते हैं।
सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। थोड़ा सा ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया टेस्ट के अकॉर्डिंग। अभी मैं टेस्ट करूँगी थोड़ा सा, ऐसे लिटिल बिट, थोड़ी सी मैंने पिंच ऑफ ये रेड चिली डाली है क्योंकि तीखा होता है ना हॉट एंड सॉर, तो थोड़ा स्पाइसी। हॉट मीन तीखा और सॉर मीन खट्टा। ये मैंने ये विनेगर डाली हूँ 1 टीस्पून, ये 1 टीस्पून रेड चिली। देखिए गाइस अपने अकॉर्डिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग आप सॉस ही डालें। 1 टीस्पून मैंने ये डाली है सोया सॉस। थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा सा पनीर चॉप किया हुआ डाल रही हूँ, 2 टेबल स्पून। मुझे इसमें पनीर बहुत अच्छा लगता है, आप भी अगर डालना चाहो तो डाल सकते हैं। वेजीज आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लो, ब्रोकली डाल लो, मशरूम डालो, जो भी मर्जी डालो। अब वेजीज का तो अपना टेस्ट होता है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी डाल सकते हो। अब इसको अच्छी तरह बॉयल आने दें, 2-3 मिनट हम इसको अच्छी तरह बॉयल कराएंगे। फ्लेम को हमने हाई रखना है ताकि अच्छी तरह ये हो जाए। ये देखिए गाइस हमारे सूप कितना अच्छा हो गया। और अब इसमें हम 2 टेबल स्पून हम ये कॉर्नफ्लावर डालेंगे। इसमें पानी ऐड करते हैं, 2-3 टेबल स्पून हम वाटर ऐड करेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा थिकनेस के लिए। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसको जितना मतलब कि पतला रखना चाहते हैं तो पतला रख लें, नहीं तो थिक रखना चाहते हैं तो थिक, वो आप अपने टेस्ट में। ज़्यादा भी थिक नहीं अच्छा लगता, नॉर्मल ही ये अच्छा लगता है। ये देखिए गाइस हमने इसमें डाल लिया वाटर, अब इसमें हम डालेंगे अब इसमें हम कोरिएंडर लीव्स भी ऐड करते हैं थोड़ा सा, इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब 2-3 मिनट के लिए और करते हैं बॉयल आने दें, 2-3 मिनट के लिए, ताकि ये कॉर्न हमारा अच्छी तरह मिक्स हो जाए और थिक हो जाए। गाइस मैंने इसमें 1/2 टीस्पून मैंने ये सोया सॉस मैंने ऐड करी है थोड़ा कलर के लिए, 1.5 टीस्पून हो गया सॉस का। ये बहुत ही इंस्टेंट सूप बनने वाला, आप ट्राई ज़रूर करें, घर पे ज़रूर बनाएं। ये बाहर से ज़्यादा अच्छा बनता है, ये रेस्टोरेंट स्टाइल सूप है ये, हॉट एंड सॉर, तीखा और खट्टा, बहुत ही यम्मी एंड डिलीशियस सूप है ये। सूप हमारा बन के रेडी हो गया, ये देखिए गाइस, ज़्यादा हमने थिक नहीं रखा, नॉर्मल ही है ये। आप इसमें अगर आप रेस्टोरेंट जैसा फ्लेवर डालना चाहते हो ना, तो आप इसमें 1 टीस्पून आप उसमें कॉर्न ऑयल का जो पैकेट आता है ना वो भी डाल सकते हो। फिर तो आपको कोई भी नहीं कहेगा कि आपने ये बाज़ार से लिया है या घर पे बनाया, उससे भी फ्लेवर बहुत ही यम्मी आता है। मैं तो कई बार वो भी इसमें डालती हूँ, नोर का मसाला जो होता है। ये देखिए गाइस हमारा सूप बन के रेडी हो गया। हमने इस फॉर्म में ऐसे ही रखना, हमने ज़्यादा हमने थिक नहीं करना, जेली टाइप नहीं हमने बनाना, हमने सूप को सूप की तरह ही पीना है। सो हम गैस को बंद कर देते हैं, बाउल में डालते हैं इसको सर्व करने के लिए। लेकिन बाउल में डाल रहे हैं, कितना अच्छा कलर आया, फाइन।